मुख्यमंत्री ने जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर में छत गिरने की घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। इंद्रपुरी कॉलोनी में जलभराव इंद्रपुरी कॉलोनी की नियति बन चुकी। भाकियू धर्मेंद्र गुट के किसानों ने किसान हित के लिए लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आर के चौधरी ने अम्बा मुर्तजापुर में तहरी भोज के साथ मनाया गया सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन। मेधावी छात्रों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया सम्मानित। विधायक मोहन ब्रिजेश कुमार रावत एवं ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज अरुण सिंह के द्वारा विकास खंड नवाबगंज की ग्राम पंचायत मिर्जापुर में निवर्तमान आशा वेलफेयर फाउंडेशन ने आयोजित किया कंबल वितरण समारोह। गर्म कंबल पाकर खिले निर्धन महिलाओं के चेहरे। नगर निगम लखनऊ का कमजोर प्रबंधन बन रहा लोगों की मुसीबत। आवारा जानवरों के आने से ट्रक सड़क किनारे, दरोगा के घर में जा घुसा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एकता की बैठक संपन्न। हिंदू जागरण मंच की बैठक जिला कैंप कार्यालय ग्राम लोन्हा सरोजनी नगर लखनऊ में संपन्न हुई। रेलवे स्टेशन पर जनवरी से ट्रेनों में मिलेगा जनरल टिकट। यूटीएस सिस्टम को अपडेट करने का कार्य हुआ शुरू। झांसी पुलिस ने 2 दिन में 69 लोगों पर लूट, हत्या व अवैध शराब के कारोबारियों पर की गैंगस्टर की कार्रवाई। झांसी में आवारा कुत्ते हो रहे खूंखार, मवेशियों को बना रहे अपना शिकार। कुरसराय क्षेत्र के किसानों को जल्द मिलेगा पर्याप्त पानी, लहलहाएगी फसलें, पेयजल समस्या भी होगी दूर। संदिग्ध हालात में रिक्शा चालक की मौत से मचा हड़कंप। प्रधान मदारीपुर ने ग्रामीणों के बीच रजाई का वितरण किया। सड़क दुर्घटना में बस की टक्कर से पुत्र की मौत, पिता की हालत गंभीर। लखनऊ से कानपुर आने व जाने वाली सभी दर्जनों गाड़ियों का संचालन रहा था। समाज सुधारक एवं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका श्रीमती सावित्रीबाई फुले की 189वीं जयंती रविवार समाजवादी पार्टी कार्यालय में सादगी से मनाई गई। प्रेमी युगल ने साथ जीने मरने की कसने खा के ट्रेन के आगे लगाए छलांग, मौत। सांसद मोहनलालगंज कौशल किशोर ने बताया कि केंद्र ने अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम अनुमोदित की।